चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आर गेटिंग रेडी फॉर द अपकमिंग समर वेकेशंस इफ यू हैव स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माई चाइल्ड स्कूल, सो आई थॉट आज ही ये वीडियो बना लेते हैं और ताकि यू नो आगे पता नहीं मुझे कब मौका मिले। तो आज का जो टॉपिक है ये एक बर्निंग टॉपिक है। इतने सारे क्वेरीज मुझे लास्ट कुछ टाइम से आ रहे हैं ऑन द सिमिलर लाइन्स दैट आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो और हम उसमें इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है। खासकर क्या होता है जब बच्चे टॉडलर स्टेज पे जब आ जाते हैं, 1 से 3 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर आप देखेंगे 99% ऑफ द पेरेंट्स विल टेल यू कि बच्चा जो पहले खाता था 1 साल से पहले जितनी उसकी भूख लगती थी या जितना आप जो देते थे वो आराम से खा लेता था, अब वो उतना नहीं खाना चाहता है। तो इट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें खिलाना। अगर आप अपने आसपास देखें कोई ना कोई पेरेंट बच्चे के पीछे ही दौड़ रहा होता है कि खा लो खा लो, ये नहीं तो वो खा लो, ऐसे नहीं तो वैसे खा लो। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रीज़न्स होते हैं क्यों बच्चों की भूख कम हो जाती है और हम क्या कर सकते हैं कि वो जो अभी खा रहे हैं उससे थोड़ा शायद ज़्यादा खाएं। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, पहली चीज़ है कि अगर बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है, अगर वो माइलस्टोन्स ठीक से हिट कर रहा है, तो बिल्कुल प्लीज़ ये कोशिश मत कीजिए कि एकदम मोटा ताज़ा गोल मटोल करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था जो था कि अंडरवेट जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्या डाइट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये इस बारे में कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर उस वीडियो को एक बार देखिए। मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या रीजंस हैं कि अचानक से बच्चे जो बहुत अच्छे से खाना खा रहे होते थे वो कुछ भी नहीं खाना चाहते हैं, जो पिछले हफ्ते तक भी खा रहे होते थे आज उन्हें कुछ भी खाना पसंद नहीं आता है। तो पहली चीज़ है ग्रोथ स्लो डाउन। तो हम सबको पता है कि पहला जो साल होता है उसमें बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उनका 6 महीने के अंदर उनका जो बर्थ वेट होता है वो डबल हो जाता है, उसके बाद 3 टाइम्स हो जाता है बाय द टाइम दे आर 12 मंथ्स ओल्ड। तो जैसे अगर कोई बच्चे का बर्थ वेट 3 किलो है जब वो बच्चा पैदा हुआ है तो लगभग 6 महीने के मार्क तक ऑलमोस्ट 6 kg हो जाएगा, और जो 12 महीने का 1 ईयर मार्क है तब तक 8 to 9 के बीच में 9 kgs तक उसका वेट हो सकता है। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना रैपिड ग्रोथ है, जल्दी 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 बच्चे बढ़ते हैं। बट टॉडलरहुड में आके वो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है, बच्चे उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं, वेट भी उतना स्पीड से नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी नीड्स भी कम हो जाती हैं। तो दैट इज़ वन वेरी बिग रीज़न कि बच्चे खाना उतना ज़्यादा या उतना फ्रीक्वेंटली खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी बॉडी को सेम अमाउंट ऑफ फूड की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 रीज़न है कि वो बहुत बिज़ी हो जाते हैं। तो टॉडलर्स इतने एक्टिव होते हैं, उनके लिए जब वो बेबीज़ होते हैं तो वो एक जगह बैठे रहते हैं, देख रहे होते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। पर सडनली जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, दे हैव दिस न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस जिसको वो हर तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इधर कूदते हैं, उधर जंप करते हैं, और वो चाहते हैं कि सब कुछ उन्हें जैसे कल आएगा ही नहीं, वो सब कुछ आज कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे में खाना इज़ लाइक नॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन। अगर आपको सोफे पे कूदने को मिल रहा है तो हु वुड वॉन्ट टू सिट ऑन द हाई चेयर एंड यू नो ईट दैट सेम ओल्ड फूड। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे खाने में इंटरेस्ट कम शो करने लगते हैं। तीसरा रीज़न जो इसी से रिलेटेड है वो है कि दे वॉन्ट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। तो वो अपने हिसाब से खाना चाहते हैं, उनको जो आप दे रहे हैं वही मशी फूड या कुछ भी है वो नहीं खाना चाहते। अक्सर आप देखेंगे अगर आप लोग एक साथ खा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ देयर ओन प्लेट वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि आपकी प्लेट में क्या है या किसी और ने क्या नया चीज़ ली है या कुछ ज़्यादा कलरफुल अगर कुछ दिख रहा है, इसीलिए वो हर चीज़ को जो कुछ भी नई चीज़ दिखती है उसको मुंह में डाल के भी सैंपल करते हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उन पर नज़र रखें, गलती से कुछ डेंजरस चीज़ वो लोग मुंह में ना डाल लें। तो वो उनके एक्सप्लोर करने का तरीका है और वो नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। तो अगर सेम हम उन्हें जब देते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है।
नाउ और एक रीज़न जो हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे सॉलिड्स खाना इतना पसंद नहीं करते, वो है अगर हम दूध की मात्रा ज़्यादा रख रहे हैं. तो कई बच्चे होते हैं उनको दूध बहुत पसंद होता है, या वो कई बच्चे इवन एक साल के बाद में भी जब वो बॉटल्स ले रहे होते हैं तो बड़े आराम से बॉटल के साथ में, क्योंकि बॉटल एक कंफर्टिंग फैक्टर भी होता है, उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करता है, तो आराम से उसमें वो 8 ounce की बॉटल फिनिश कर लेते हैं, सो जाते हैं और हमें लगता है चलो बच्चे ने कुछ खा लिया. पर जब हम उसे वो सॉलिड खिलाने जाते हैं, जब उसको हम रेगुलर फूड देने जाते हैं, तो उसका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होता है और जिसकी वजह से वो खाना नहीं पसंद करता है. तो एक साल के बाद हमें देखना है कि बच्चे का जो टोटल मिल्क इनटेक है वो 400 to 500 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दैट इज़ अगर 8 ounce की आप बॉटल दे रहे हैं बच्चे को तो 2 bottles से ज़्यादा आप नहीं दें. या और जब बच्चा 3 या 4 साल के ऊपर हो जाए तो उसको हम थोड़ा और भी कम कर सकते हैं. इनफैक्ट डॉक्टर्स कहते हैं कि एक जो फुल ग्लास होता है 250 to 300 ml दैट इज़ इनफ फॉर अ चाइल्ड पूरे दिन में अगर आप दे रहे हैं तो. उसके अलावा वो और तरीक़ों से भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी खा सकता है. तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बच्चे सॉलिड्स नहीं खाना चाहते हैं. एक और वजह है जिसकी वजह से बच्चे रेगुलर खाना पसंद नहीं करते हैं, वो है जंक फूड. बच्चों का टेस्ट बड्स काफ़ी डेवलप हो जाते हैं जब वो बच्चे 1.5-2 साल के हो जाते हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ें सैम्पल भी कर ली होती हैं. तो और ख़ासकर अगर उनके कोई बड़े भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं घर पे, और वो उन्हें देख रहे हैं कि चिप्स खा रहे हैं या कैंडीज़ या बिस्किट्स खा रहे हैं, और वो उनके साथ में अगर उन्होंने एक छोटे बच्चे ने अगर 2 या 3 biscuit खा लिए तो आप सोच सकते हैं उसके पेट में कितनी जगह बचेगी प्रॉपर खाना खाने के लिए. तो जंक फूड भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा जंक फूड होगा तो ऑब्वियसली देन बच्चा रेगुलर जब आप उसको नॉर्मल दाल चावल देने जा रहे हैं या आप उसे रोटी खिलाने जा रहे हैं तो वो उसको उस खाने के लिए उसके पेट में जगह नहीं होगी. नो एक और रीज़न है जिसकी वजह से सडनली बच्चे की भूख में कमी आ सकती है, वो है अगर बच्चा किसी वजह से उसकी तबीयत ख़राब है, वो बीमार हुआ है, कोई अगर स्टमक अपसेट है. तो एज़ यूजुअल ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, छोटा हो बड़ा हो, अगर हमारी तबीयत अच्छी नहीं है तो हमें भूख कम लगती है, हमारी बॉडी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है उस बीमारी से. तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि बच्चे को भूख कम लगती. और एक और रीज़न जिसकी वजह से बच्चों की भूख कम हो सकती है वो है पेट में कीड़े हो जाना या इंटेस्टिनल वर्म्स. तो अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, अगर आपको किसी वजह से लग रहा है कि उस वो यू नो वो सिम्टम्स शो कर रहा है तो वो भी एक रीज़न है कि बच्चे को खाने में इंटरेस्ट नहीं होगा. तो डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि हमें 6 महीने से 1 साल के बीच में एक बार बच्चे को डिवर्म करना चाहिए. बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू आप घर में भी ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे को कीड़े ना हो. तो ये कुछ प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे तो बच्चे को कीड़े नहीं होंगे. और एक चीज़ है वो है गैस्ट्रिक इशूज़. ये हमें पता नहीं चलता है पर बच्चे को कुछ भी खाने से अगर इंडाइजेशन या गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा या फूल जाएगा, गैस हो जाएगी और उसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा खा रहा है और उसको लग रहा है कि आई एम फुल, तो ऑब्वियसली वो जितना आपने दिया है वो पूरा नहीं ख़त्म करेगा. तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे को शायद गैस का प्रॉब्लम है तो होम रेमेडीज़ तो आप करेंगे ही जो हम नॉर्मल बताते हैं, उसके अलावा आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए. और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गैस के लिए हमने क्या हम घर में क्या कर सकते हैं इसका हमने एक वीडियो बनाया था, आई विल लीव अ लिंक टू इट, आप ज़रूर उसको भी देखिए. देर आर सम 5-6 रेमेडीज़ विच आई हैड शेयर्ड अर्लियर. तो अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो नॉर्मल जो शिकायत है अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो गैस की शिकायत उससे ख़त्म हो सकती है. तो ये हमने कुछ कारणों के बारे में बात किया जिसकी वजह से बच्चों की भूख हमें लगता है कि अचानक से कम हो गई है या क्यों बच्चा नहीं खा रहा है. और ये मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ तो मुझे पता है बहुत अच्छे से कि कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है ये चीज़ कि बच्चा खा रहा था और सडनली अब कुछ भी नहीं खाना चाह रहा है. तो अक्सर क्या होता है ये एक फेजेज रहती हैं इस तरह की कि एक चीज़ बच्चा खा रहा था, अभी वो अगले 1 महीने तक बच्चा वो खाना ही नहीं चाहता है, फिर शायद वो धीरे धीरे करके अपने आप उससे वो चीज़ पसंद आने लगे. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट एट दिस टाइम. बट अब हम कुछ बातें करेंगे कि हम
क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और हम उनकी भूख बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि खाने में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। हम आपसे बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। बाय बाय।